हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आज ये इत्तेफाक है कि मुख्यमंत्री भी पानीपत में हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी। हुड्डा साहब, आज सरकार के कामकाज को लेकर बड़ी तल्खी है। आप लोग कह रहे थे मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्या परेशानी हो रही है सरकार से? वर्ग जो है विमुख हो चुका है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे दलित है, कोई भी है, हर वर्ग जो है मतलब इससे विमुख हो चुका है। कोई ऐसा कोई जो घोषणा वायदा किया था लोगों से, कोई भी एक कदम उसने नहीं उठाया जो अपनी घोषणा में पूरा कर सके। अपने मन से आज पहली दफा सरकार को चेतावनी दी, चेतावनी शब्द का यूज किया कि मेरे से अब बर्दाश्त नहीं होता किसानों की व्यापारियों की हालत को देखकर। चेतावनी में क्या मतलब? आप कह रहे हैं मेरा जनसंपर्क जो है वो जन आंदोलन का रूप लेगा अगर सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। अगर सरकार अपने वायदे नहीं पूरे करेगी तो जो जनसंपर्क चल रहा है मेरा, ये जन आंदोलन का रूप ले सकता है, किसी भी समय कोई भी रूप इसका बदल सकता है। खट्टर सरकार ने जब से मतलब काम संभाला है, कम से कम 100 मामले ऐसे हैं जिनकी जांच शुरू हुई है, विजिलेंस जांच हो रही है और चीजें कमीशन बनाएंगे, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? जांच करें लेकिन काम करें। पानीपत को लेकर अक्सर आप कहते हैं कि आपको राजनीतिक ताकत मिली है यहाँ से, लेकिन पानीपत का नाम स्मार्ट सिटी में आ रहा है। लोग कल से एक मूव भी शुरू हुआ है कि पानीपत को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, आप लोग किस तरह सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम तो सपोर्ट करते ही हैं। मैं तो जो है जो अपना अपने जो रेल थी फास्ट रेल पानीपत के चलाने का हमारा प्रयोजन था ही पानीपत। पूर्व मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सरकार के कामकाज को लेकर वो नाखुश है, जो जनसंपर्क आजकल वो कर रहे हैं उनका ये कहना है कि अगर सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए और जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं की तो वो इस जनसंपर्क को जन आंदोलन का रूप दे देंगे। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, गांव चुलकाना, समालखा।